दोस्तों YouTube पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है जिसके बारे में आज की इस वीडियो से मैं आप लोगों से बात करूंगा। दोस्तों ये प्रॉब्लम है क्या? दोस्तों आप में से काफी सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, यहाँ तक कि मेरे कॉन्टेक्ट में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनका मिलियन में सब्सक्राइबर्स है, उन लोगों का मैसेज आ रहा है कि अभी यूट्यूब पे एक प्रॉब्लम ये है कि पहले क्या होता था कि पहले हम कुछ भी वीडियो अगर अपलोड कर देते थे, खास करके शॉर्ट्स वालों, शॉर्ट्स जो वीडियो अपलोड करते हैं, कोई भी शॉर्ट्स अपलोड कर देते थे तो अच्छा खासा व्यूज आ जाता था। लेकिन अभी के टाइम पे कितना अच्छा सा अच्छा कॉन्टेंट अपलोड कर दे फिर भी व्यूज नहीं आ रहा, किसी का तो जीरो व्यूज में रुक जा रहा है, जीरो मतलब एक भी नहीं आ रहा। ऐसा भी है, बहुत कोई का प्रॉब्लम चल रहा है। और बहुत कोई का पहले जैसे 10,000-20,000 कॉमनली आ जाता था, उनका 1-2 हजार में रुक जा रहा है, किसी का जिसका लाखों में आता था वो हजार में रुक जा रहा है। तो आखिर भाई प्रॉब्लम क्या है और इसका समाधान क्या है? हर यूट्यूबर आज के डेट पर परेशान हो चुका है यूट्यूब से, खास करके शॉर्ट्स अपलोड करने वालों। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहना, मैं बताऊंगा इसका रीजन क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है। तो बने रहे वीडियो पे एंड तक, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेने चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए होता कुछ ऐसा है ना कि आज आप बात करो अभी क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है, और इसी से आप 6-7 साल पहले चले जाओ जब 2016-17 चल रहा था, तब आपके नजर में कितना यूट्यूबर था? आप खुद बोलो कि 6-7 साल पहले आप कितने यूट्यूबर्स को जानते थे? जब नया-नया जियो आया था 2016 में, तब आप कितना यूट्यूबर्स को जानते थे? बहुत कम होगा, और कंपटीशन भी बहुत कम था। तो उस टाइम क्या होता था कि 2016 में जब यूट्यूबर्स कम था ना, और यूट्यूब खुद अपने प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहा था, आप लोगों को बहुत कोई नहीं पता होगा 2014-15 में ना 16 में यूट्यूब क्या करता था, टीवी में अपना यूट्यूब को लेकर एड चलाता था कि यूट्यूब पे जाइए, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ जानना है तो यूट्यूब पे जाइए, इस टॉपिक को सर्च कीजिए, आपके सामने वीडियो आ जाएगा। यूट्यूब खुद अपने प्लेटफॉर्म को प्रमोट करता था ताकि उनके प्लेटफॉर्म पर क्रिएटर्स आए, लोग आए, वीडियो बनाने वाला आए, ऑडियंस आए देखने वाले, तब तो यूट्यूब बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा, तब तो यूट्यूब भी पैसा कमाएगा, यूट्यूब हम जैसे क्रिएटर से ही कमाता है। तो यूट्यूब उस टाइम खुद अपने प्लेटफॉर्म को प्रमोट करता था टीवी पे, टेलीविजन पे, और उस टाइम यूट्यूबर्स बहुत कम था। तो धीरे धीरे जो भी नया नया यूट्यूब चैनल खोला था उस टाइम, जैसे कि टेक्निकल गुरुजी हो गए, है ना, कैरी मिनाटी हो गए, आपका भुवन बाम हो गए, ये लोग नया नया उस टाइम आया हुआ था, तो उन लोगों का चैनल ना गजब मतलब रॉकेट जैसा बूस्ट कर रहा था। अमित भड़ाना वगैरह का आप लोग जानते होंगे, गजब बूस्ट कर रहा था। वो लोग कुछ भी वीडियो बना देता था, यहाँ तक कि क्वालिटी भी अच्छा नहीं होता था, ना साउंड क्वालिटी अच्छा, ना वीडियो का क्वालिटी अच्छा, फिर भी वीडियो वायरल हो जाता था उस टाइम। एक एक दिन में 10-10 मिलियन व्यूज आया है, एक एक दिन में भुवन बाम ये लोग का, अमित भड़ाना लोग का, जब वीडियो अपलोड करते थे वो लोग 24 घंटे में 10 मिलियन व्यूज क्रॉस हो जाता था। लेकिन आज की डेट में 1 मिलियन व्यूज भी नहीं आता है 24 घंटे में। तो उस टाइम ऐसा क्यों होता था? पहला चीज कि यूट्यूब खुद बूस्ट करता था चैनल्स को, यूट्यूब चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा वायरल हो, लोग ज्यादा आए हमारे इसमें प्लेटफॉर्म पे, लोग हमारे वीडियोस को देखे, यूट्यूब पे आए, फिर हम भी पैसा कमाएंगे, ये एक रीजन था। और दूसरा था कि क्रिएटर्स बहुत कम था, वीडियो भी बहुत कम था यूट्यूब पे, है ना, आप किसी भी टॉपिक पे सर्च करते थे तो उस टाइम वीडियो बहुत कम था। तो उसी तरीके से दोस्तों हुआ कुछ ऐसा है कि जब शॉर्ट्स लॉन्च हुआ था आज से 2 साल पहले, तो शॉर्ट्स नया था, तो यूट्यूब खुद अपने प्लेटफॉर्म को वायरल कर रहा था, प्रमोट कर रहा था शॉर्ट्स पे, ताकि शॉर्ट्स बनाने वाले क्रिएटर आ जाए। हम जैसे क्रिएटर्स का मेल पे डेली एक एक मेल आता था कि शॉर्ट्स बनाइए, शॉर्ट्स से ये हो जाएगा आपका, वायरल हो जाएगा आपका, सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, एक्चुअल में वायरल होता था। आम कटहल इमली कुछ भी डाल दो उस टाइम वायरल हो जा रहा था ऐसे 2 साल पहले। यहाँ तक कि नया चैनल खोल करके कोई अगर शॉर्ट्स अपलोड कर रहा था तो 1000 में व्यू तो भाई रखा हुआ है, 5,000-10,000 कुछ भी, बैक कैमरा से अगर ट्रेंड क्रॉस हो रहा ना उसका वीडियो बनाकर कोई डाल दे तो उसका भी 10,000 व्यू आ जा रहा था 2 साल पहले। लेकिन अभी ये चीज नहीं हो रहा है। रीजन ये है दोस्तों कि एक टाइम के बाद कोई भी प्लेटफॉर्म जो होता है वो सैचुरेट हो जाता है, वो एक तरह सेटल्ड हो जाता है। जैसे आप मेरा यूट्यूब चैनल को देखो, आप सौरभ जोशी का यूट्यूब चैनल को देखो, या फिर जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं आज के डेट में उनका यूट्यूब चैनल देखो, वो एक तरह सेटल्ड है, एक फ्लैट ग्राफ पकड़ लिया है। एक टाइम था जब हमारा ग्राफ ऐसा जा रहा था, लेकिन अभी हमारा ग्राफ क्या हुआ पता है? ऐसा हो गया है सीधा, मतलब हम लोग जस्ट काम कर रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जितना एवरेज व्यू आना है आता है, 1-2 वीडियो बीच में वायरल होता है और पैसा हम लोग भाई कमा रहे हैं। मतलब एक तरह से ग्राफ जो है वो फ्लैट हो चुका है। उसी तरह से शॉर्ट्स 2 साल पहले जब लॉन्च हुआ था तो यूट्यूब खुद प्रमोट कर रहा था, और कोई भी शॉर्ट्स अपलोड करता था तो उसका बूस्ट हो जाता था, व्यूज आ जाता था, क्योंकि यूट्यूब खुद चाहता था कि शॉर्ट्स बनाओ ताकि आपको मोटिवेशन मिले। लेकिन अभी वो चीज अब रहा नहीं, अब 2 साल के बाद अब शॉर्ट्स क्रिएटर का भी एक तरह से सैचुरेट हो गया है और सेटल्ड हो गया है। बहुत सारे पॉपुलर शॉर्ट्स क्रिएटर है जो शॉर्ट्स ही बनाते हैं, और उन लोगों का नाम अच्छा खासा आज के डेट पे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। तो अब होगा क्या? अब दोस्तों आप आम इमली लहसुन कटहल कुछ भी डाल दोगे ना तो वायरल नहीं होगा। अब आपको करना क्या है? आपको वैल्यूएबल कंटेंट बनाना होगा, कुछ क्रिएटिविटी दिखाना होगा, लोगों से हटके काम करना पड़ेगा, और वीडियो बनाते बनाते कोई कोई वीडियो ही वायरल होगा, हर एक वीडियो पे अच्छा व्यूज नहीं आएगा, ये डार्क रियलिटी है, कोई यूट्यूबर नहीं बताता है, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ, और आप कुछ नहीं करो, आप मेरे चैनल पर चले जाओ, आप मेरे चैनल पर जाओ और चैनल पर शॉर्ट्स सेक्शन पे जाओ, और शॉर्ट्स सेक्शन पे लास्ट जो रिसेंट के शॉर्ट्स है उन पे व्यूज देखो कितना है, 1.7 लाख, 1.9 लाख, 2.1 लाख,
एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि वायरल ट्रेंड सॉन्ग था, 31 लाख आया है, फिर 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख। लेकिन आप देखो नया में, जब शॉर्ट्स नया नया आया था तब मैंने वीडियो जब अपलोड करना शुरू किया था शॉर्ट्स पे, तब व्यूज देखो 8 लाख, 17 लाख, 8 लाख, 24 लाख, 13 लाख, 17 लाख, 47 लाख, 30 लाख, 31 लाख, 18 लाख, 18 लाख, देखिए सब मिलियन पर है। ये देखिए 1 करोड़, 10 मिलियन पर है। इसी तरह से 9 लाख, देखिए 3.7 करोड़, मतलब 37 मिलियन। लेकिन अभी नहीं ना आ रहा है, अभी के टाइम पे रिसेंट वाले में कितना आ रहा है, 2 लाख, 4 लाख, जो कि मेरा एक्टिव ऑडियंस है, मेरा इतना फॉलोअर है, 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, तो भाई इतना तो आएगा ही। लेकिन वायरल तो नहीं हो रहा, वायरल एक हुआ है सिर्फ, 31 लाख जो आया, बाकी नहीं हो रहा। तो उसी तरह से दोस्तों इससे प्रूफ हो जाता है कि YouTube अब जो है शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म पर भी सैचुरेट हो गया है, एक फ्लैट ग्राफ बन चुका है। अब आपको अच्छा कंटेंट अपलोड करना होगा, अच्छा वीडियो अपलोड करना होगा, रेगुलर कंटेंट अपलोड करते रहना होगा, व्यूज का चिंता नहीं करना। कोई भी अच्छा कंटेंट कभी ना कभी आपका वायरल निकलेगा, फिर उससे जो सब्सक्राइबर बनेगा ना, उसके बाद आप जब वायरल ये करोगे वीडियो अपलोड, तो फिर आपका अच्छा खासा व्यूज आएगा। बाकी आपको हड़बड़ाना नहीं है, परेशान नहीं होना है, सबके साथ हो रहा, सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है। बाकी YouTube अब अपने शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म को भी प्रमोट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।